कोरोना व लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों के लिए रोशनदीप श्री माली एवं ग्रुप द्वारा आज गन्हेड़ा पंचायत से वार्ड नंबर 8 व कालबेलिया बस्ती भोपा बस्ती में सोशल डिस्टेंसिंग में अलग अलग ग्रुप बनाकर 50 परिवारों को 100 किलो सब्जियां व ठंडे पानी के लिए मटकियां वितरित की। देखिए ब्रह्म पुष्कर न्यूज़ पर दिनेश पाराशर के साथ मीनल शर्मा की रिपोर्ट। तो किस प्रकार से ऐसा और गरीब लोगों की आप सेवा कर रहे हैं जी, बताइए। जी सर, हम रोज नित्य नए कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे एरिया हमने सेलेक्ट किए जहां अभी तक सब्जी नहीं वितरण की गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन लोगों को हम सब्जी दी जाए। तो आज हमने 100 किलो से अधिक सब्जी वहाँ जाकर पैकेट बनाकर उन कालबेलिया और भोपा बस्ती में नई बस्ती जो बनी है वहाँ जाकर वितरण की। इसी के साथ परिंदे पक्षियों के लिए हमने काफ़ी लगा दिए। अब हमने सोचा वो अभियान तो हमारा चल रहा है, क्यों ना उन लोगों को जो राहगीर है, बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं, वो पानी ठंडे पानी के लिए तरस रहे हैं और ये लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हमने आज एक नया अभियान छेड़ा है, मटकी अभियान। तो हमने जगह जगह ये मटकियाँ रखी है ताकि जो प्रवासी आए या कोई ऐसे राहगीर जहाँ पर उनको पानी नहीं मिल रहा है तो ठंडा पानी मिले, और वहाँ पर हमने नियमित हमारी जो टीम है वो जाकर इन मटकियों को भरेगी। और इसी के साथ उन बस्तियों में ज़रूरतमंद लोगों को भी हमने मटकियाँ वितरण की है ताकि वो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। इस तरह से हमारा कार्य आगे चली, और हमने इसी कड़ी में 50 परिवारों को राशन वितरण सामग्री भी हमने करी है जो डुंगरिया खुर्द में की थी हमने। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ में सर्वेश शास्त्री है, आप भी सेवा कार्य से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, जब से लॉकडाउन हुआ तभी से आप जुड़े हुए हैं, किसी न किसी रूप में आप प्रतिदिन सेवा कार्य करें जी, बताइए। जी, आज हमने ग्राम पंचायत गन्हेड़ा में वार्ड नंबर 8 के अंदर 50 से अधिक परिवारों को 100 से अधिक किलो सब्जी हमने वितरण की है। उसके साथ ही हमने आज हमारी जो बड़ी बहन है रोशनदीप जी, इनके साथ जो मटकी अभियान है, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि भाई कुछ व्यक्तियों के पास स्वच्छ पात्र नहीं है जल पीने के लिए, तो उनको हमने मटकी वितरण की है। और आज हमने 4 से 5 परिवारों को खाद्य सामग्री पहुँचाने के शाम तक पहुँच जाएगी, तो उसके लिए भी हमने सहयोग करा है। इसके अलावा ये भी देखा है कि आपके द्वारा जो सब्जियां दी जा रही है वो सैनिटाइज करके दी जा रही है। पंकज जी, बताइए आप किस प्रकार इस सेवा कार्य को ले रहे हैं? ये सेवा कार्य सर हम पहले भी किया था और आज भी किया, ये मटकियों का वितरण किया था जहां मतलब जो गरीब है, जो मतलब जिनके पास राशन नहीं पहुँच रहा है उनको सब्जियाँ भी पहुँचाई और ये पानी की उनकी व्यवस्था कराई मटकियाँ दे करके। इसके अलावा महावीर जी है जो आप शिक्षक भी है, और जब भी ड्यूटी से जब फ्री हो जाते हैं, ड्यूटी से फ्री होकर इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं और सेवा कार्य करें जी, बताइए महावीर जी। आज हमने गन्हेड़ा पंचायत में वार्ड नंबर 8 में सब्जियों का वितरण रोशनदीप श्री माली के सहयोग से किया, जिनमें ज़रूरतमंदों को सब्जियाँ दी गई सबके घर घर जा कर के, और उनको समझाया कोरोना रोग के लिए कि भाई कैसे उनसे दूर रहना है। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हनुमान जी मेघवाल है, जो प्रतिदिन मुझे फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा है तो बताइए, या कोई गरीब है तो मुझे बताइए मैं उनकी किस प्रकार से सेवा कर सकूं। शायद मैं समझता हूं ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रोज़ फ़ोन करके पूछते हैं कि कहीं ऐसा कोई गरीब तो नहीं है जो कहीं भूखा है, जिसके पास में राशन सामग्री नहीं है, अगर राशन सामग्री नहीं है तो मैं उस तक पहुंचा दूं, या पानी मटकी नहीं है पीने की तो मैं उस तक पहुंचा दूं। हमारे साथ हनुमान जी, जी बताइए आप। जी सर, आज हमने गन्हेड़ा पंचायत में वार्ड नंबर 8 में करीब 50 जो है परिवार को 100 किलो से अधिक सब्जी हमने वितरण की है, और जिनके पास में मटकी का साधन नहीं था मटकियों का, तो हमने हमारी संस्था की ओर से, हमारी टीम की ओर से उनको मटकियाँ पहुँचाई गई है, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत थी हमने पानी के लिए हमने मटकियाँ रखी है। ठीक है, धन्यवाद। इसके अलावा ओम जी है, ओम जी वैसे तो कई दिनों से जो है मास्क बनाकर आम लोगों, ज़रूरतमंद लोगों, जिला प्रशासन तक को पहुँचा रहे हैं। ओम जी, आप किस प्रकार से इस सेवा को ले रहे हैं? सर, हम ये क्या है कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और सामाजिक कार्य करते हुए सबका ध्यान देते हुए आज ग्राम पंचायत गन्हेड़ा में वार्ड नंबर 8 से सब्जी का वितरण किया है। 100 किलो से ज़्यादा सब्जी हमने बांटी है ज़रूरतमंदों को और उनकी सेवा की है, और उनके साथ साथ जिनको पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी, मटकी की नहीं थी, तो नई मटकियाँ ला के उनको वितरण की गई है और वो भी सेवा की गई है, और आगे भी हम कार्य करते रहेंगे, जन सहयोग करते रहेंगे, जो भी हमारे से करते रहेंगे। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया। हमारे साथ में आपने देखी ये टीम रोज़ प्रतिदिन हमारे से फ़ोन करके ये टीम पूछती है कि कोई गरीब भूखा न सोए या प्यासा न रहे, अगर किसी के पास में सब्जी नहीं है तो सब्जी भी हम पहुंचाएंगे, राशन सामग्री भी हम पहुंचाएंगे, अगर हमारे पास राशन सामग्री नहीं है तो हम अन्य भामाशाहों से सहयोग लेकर उन तक राशन सामग्री पहुंचाएंगे। लेकिन किसी को पुष्कर पवित्र पावन नगरी में भूखा नहीं रहने देंगे। कैमरामैन मीनल शर्मा के साथ दिनेश पारा सर। बेचनी भी चाहिए नहीं तो अपन क्या करेंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको पता है कौन सी बीमारी चल रही है कोरोना, तो आपको सबसे पहले तो खुद के हाथ, ये देखिए अपने हाथों को ऐसे लेंगे ऐसे स्प्रे करेंगे और अपने हाथों को ऐसे धोने पहले, उसके बाद में जो भी आपकी ये सब्जी है इसके ऊपर इसे ये ख़राब नहीं होएगा, आपको अपना ये 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 इस तरह से पूरा आपको सैनिटाइज करना, और उनको भी लोगों को भी कहना है कि आप घर जाके इसको सब्जी को नमक या फिटकरी जो आती है उस पानी में गुनगुने पानी में जाते ही डालें और खुद के हाथों फिर इस्तेमाल करें। दूसरा, पॉलीथीन की थैली आप नहीं देंगे, आप खुद कह दें थैली घर से लेके आए, कपड़े की थैली लेके आए, ये पॉलीथीन अपन को इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये कुछ सावधानियाँ आप भी बरतें और उनको भी बरतें, आगे से आगे अगर आप कहेंगे तो हमारे ये कोरोना जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आपका भी सहयोग रहेगा। फोटो भी ले लेना है।